आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने फोन पे ऐप के थ्रू किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। फोन पे ऐप से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए फोन पे ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फोन पे की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगता है। यहाँ पर हमें नीचे की साइड काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सी ऑल का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इस ऑप्शन पर हमने इस तरीके से क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पॉपुलर में मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, डीटीएच, क्रेडिट कार्ड, बिल पेमेंट जैसे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यूटिलिटीज की कैटेगरी में रेंट पेमेंट का हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपल से हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फोन पे ऐप से रेंट ऑप्शन के थ्रू हम अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। रेंट पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई ऑफर्स वगैरह चलते होते हैं तो वो यहाँ पर ऊपर की साइड हमें देखने को मिल जाते हैं, जिन पर हम यहाँ पर कैशबैक भी पा सकते हैं। नीचे की साइड लिखा हुआ है पे फॉर रेंटर्स में होम शॉप रेंट, ब्रोकर पेमेंट, प्रॉपर्टी डिपोजिट, सोसाइटी मेंटेनेंस। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं होम शॉप रेंट। यहाँ पर हमने इस ऑप्शन पर क्लिक कर लिया है। अब इस जगह पर लिखा हुआ है रेंट पेमेंट। तो अब जितना भी बैलेंस हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। हम फोन पे ऐप से मिनिमम 1,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक का बैलेंस क्रेडिट कार्ड से हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको 2,000 रुपए सेंड करके दिखा देता हूँ। 2,000 रुपए का यहाँ पर मैंने अमाउंट एंटर कर लिया है। नीचे की साइड आप ध्यान देंगे लिखा हुआ है यू विल नीड टू प्रोवाइड द लैंडलॉर्ड पैन कार्ड नंबर फॉर अमाउंट ग्रेटर देन 50,000। अगर हम 50,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड से बैंक में ट्रांसफर करते हैं रेंट ऑप्शन के थ्रू तो हमें यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर एंटर करना होता है। 50,000 रुपए से नीचे करते हैं तो कोई भी पैन कार्ड नंबर एंटर करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। रेंट अमाउंट में 2,000 रुपए मैंने एंटर कर दिए हैं। प्रॉपर्टी नेम में हम यहाँ पर कोई भी एक नाम एंटर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस जगह पर मैं खुद का नाम एंटर कर लेता हूँ। देन नीचे की साइड टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये मांग रहा है लैंडलॉर्ड नेम। तो लैंडलॉर्ड नेम में भी आप कोई सा भी नाम एंटर कर सकते हैं। मैं अपना नाम इस जगह पर फिर से एंटर कर लेता हूँ। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है सेंड मनी टू योर लैंडलॉर्ड। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को 3 मेथड के थ्रू हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला यहाँ पर फोन पे का फोन नंबर। फोन पे फोन नंबर के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बैलेंस डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करना चाहें तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट की डिटेल को भी फिल कर सकते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी अदर ऐप की यूपीआई आईडी को अगर हम एंटर करना चाहें तो यहाँ से हम यूपीआई आईडी को भी एंटर करके डायरेक्ट हम अपने पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मेथड पर अपने पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहाँ पर जो मुझे सबसे ज्यादा आसान लगता है वो ऐड बैंक अकाउंट ऑप्शन के थ्रू लगता है। यहाँ पर मैं इस तरीके से बैंक अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगा। जितने भी बैंक अकाउंट मेरे सेव होंगे फोन पे ऐप में वो हमें देखने को मिल जाएंगे। अगर हम अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहें तो नीचे की साइड प्लस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और पॉपुलर बैंक्स हमें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, कैनरा बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, एक्सिस, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये जितनी भी पॉपुलर बैंक्स इंडिया में होती हैं उनके नाम ऊपर की साइड हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अदर जितनी भी बैंक्स हैं इंडिया में उनके नाम हमें नीचे की साइड देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहां से अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के नंबर को एंटर कर देने के बाद नीचे की साइड हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पे विद UPI और पे विद क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर हमें अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसलिए हमें पे विद क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 2,000 रुपए का बैलेंस मैं अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ रेंट ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पर जो कन्वीनियंस फीस है वो 2% के हिसाब से 40 रुपए की लग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 2% की जो कन्वीनियंस फीस है ये इंक्लूडिंग ऑफ GST है। तो 2,000 रुपए पर 40 रुपए की ये कन्वीनियंस फीस लग रही है। तो रेंट ऑप्शन के थ्रू क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर जो कन्वीनियंस फीस लग रही है इसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं वो तरीका भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो भी क्रेडिट कार्ड इसमें सेव होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। किसी नए क्रेडिट कार्ड को अगर हम ऐड करना चाहें तो नीचे की साइड ऐड क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। और आप यहां पर जैसा कि देख सकते हो मेरे पास ये काफी सारे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड हैं। तो गाइस देखिए ये मेरे पास 3 रेयर क्रेडिट कार्ड है। पहला है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, दूसरा है अमेजोन पे ICICI बैंक, तीसरा है मेरे पास पैसा बाजार RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड। अमेजोन पे और RBL बैंक के क्रेडिट कार्ड को अगर मैं यूज करूंगा इस ट्रांजेक्शन में तो मुझे 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाएगा मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड में। और अगर हम इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो 1.5% का कैशबैक मुझे मेरे इस क्रेडिट कार्ड में मिल जाता है। तो 2,000 रुपए पर 1.5% के हिसाब से 30 रुपए का जो कैशबैक है मुझे मेरे इस क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। 40 रुपए का चार्ज लग रहा है जिसमें से 30 रुपए मुझे कैशबैक मिल जाएंगे, तो जो चार्ज बचेगा वो सिर्फ 10 रुपए का बचेगा। इसको भी रिकवर करने का मैं आपको अभी तरीका बताने वाला हूँ। तो इस
जगह पर मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को फिल कर दिया। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है पे विदाउट सेविंग और पे एंड सेव। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को सेव नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। चलिए मैंने इसको सेव कर लिया है। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है पे, सिंपल से हमें पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, देन कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब गाइस देखिए हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ऑटोमेटिकली जो ओटीपी है सबमिट हो चुका है। अब आप यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ पेमेंट सक्सेसफुल। अब जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। व्यू डिटेल ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। 2000 रुपए का बैलेंस हमने अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है, जिसमें से 40 रुपए का चार्ज लग चुका है, कन्वीनियंस फीस लगी है, 30 रुपए का कैशबैक मुझे मेरे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में मिल चुका है, जो कि 24 घंटे के अंदर इस क्रेडिट कार्ड में एड कर दिया जाएगा। और गाइस देखिए 1 से 2 दिन के अंदर हमारे क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब आप यहां पर जैसा कि देख सकते हो 2 घंटे से पहले 2000 रुपए का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली आ चुका है, क्रेडिट कर दिया गया है। यहाँ पर 2000 रुपए का बैलेंस क्रेडिटेड आप देख सकते हो SMS में। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर जो कन्वीनियंस फीस लगी है उसको हम पूरा कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अगर हम यूज कर लेते हैं तो ड्यू डेट पर तो हमें उसकी पेमेंट करनी ही होती है। तो क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट पर पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक, अमेज़न, इन जैसी एप्लीकेशन से अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यू बैलेंस को पे करते हैं तो इन सभी एप्लीकेशन में भी हमें कैशबैक मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड का ड्यू बैलेंस पे करने पर हम कैशबैक कैसे पा सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप अपने फोन पे ऐप से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक